पूरा देश लॉकडाउन की महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं बता दें जिले के कुछ दुकानदार अधिक रेट पे सामान बेचकर लोगों को ठग रहे हैं। जी हाँ, ऐसा एक मामला आया है हमीरपुर जिले के भरुआ सुमेरपुर कस्बे के दुकानदार अधिक रेट पे सामान बेच रहे हैं। तो बात करते हैं गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, जबकि हर एजेंसी वाले ने थोक दुकानदार से लेकर फुटकर दुकानदार को एजेंसी के फिक्स रेट में दिया है। केसर एसएनके को तो व्यापार मंडल के लोगों ने खुद बैठकर बटवाया है, लेकिन कस्बा के थोक दुकानदार आज भी चाहे केसर हो या राजश्री या एसएनके या कमला पसंद 250 से रुपए से कम नहीं बेच रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि जब हमको ब्लैक में माल मिलता है तो हम अधिक रेट में तो बेचेंगे ही। वहीं बता दें ये मामला है रामलीला मैदान के पास के एक दुकानदार केसर का भाव 290 बता रहा है। साथ ही कहा लेना हो तो लो, नहीं जाओ, यहीं बड़ा दुकानदार माल डंप कर महंगे दामों में बेच रहा है, जबकि एस एन के का रेट 135 रुपए और 200 से 250 रुपए तक, केसर 175 रुपए तक बिक रहा है। वहीं बता दें 250 से 300 रुपए में खुलेआम लूट हो रही है। बता दें एक मामला केवल भरुआ सुमेरपुर का ही नहीं, बता दें पूरे जनपद में दुकानदार अधिक रेट पे सामान बेच रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं कि इस वीडियो के बाद प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई करता है। सत्तर के नहीं मिलेगी, सत्तर के डाम काम डाम काम हो 190 के।